ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन पीसीएस की जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब कर रहे थे, पार्ट वन देख चुके हैं। ये बेसिकली आपका पार्ट टू रहेगा, ठीक है। पार्ट वन में हमने कौन सी डिवीज़न देखी थी? हमने पार्ट वन में फरीदकोट डिवीज़न को कवर किया था, ठीक है। फरीदकोट डिवीज़न को हमने कवर किया था, उसमें हमने तीन डिस्ट्रिक्ट्स मेनली कवर किए थे आपके। वो तीन डिस्ट्रिक्ट्स कौन से थे? फरीदकोट, भटिंडा एंड मानसा। दीज वर द थ्री डिस्ट्रिक्ट्स दैट वी कवर्ड बेसिकली। ऑल राइट, चलिए, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ईमेल आईडी है, और ये एक और ईमेल आईडी है। तो आप दोनों ईमेल आईडीज में से किसी से भी अपने डाउट्स जो हैं वो रख सकते हैं। चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में फरीदकोट डिवीज़न को कर चुके हैं पार्ट वन में। पार्ट टू में फिरोजपुर डिवीज़न को कवर करेंगे। इसमें आपकी चार डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, फिरोजपुर, फजिलका, मुख्तसर और मोगा, ठीक है। तो चारों डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैंने आपको पार्ट वन में भी बताया था कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होता ही है, डायरेक्ट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जब आप इंटरव्यू में जाएंगे पीसीएस का, मेंस का पेपर क्लियर करने के बाद, वहाँ पर ये चीज़ें काम आ जाती हैं। जैसे आप फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर फजिलका डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो फैक्ट्स कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। तो पार्ट टू विल बी बेसिकली कंसर्न विद योर फिरोजपुर डिवीजन, ठीक है। बाकी के आगे के जो डिवीजन्स हैं दैट विल बी कवर्ड इन सेपरेट वीडियोस। ऑल राइट, चलिए, तो फिरोजपुर डिवीजन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए, यहाँ पर ये आपका फिरोजपुर डिवीजन आ जाता है। चार डिस्ट्रिक्ट्स, फिरोजपुर, मोगा, फजिलका और श्री मुख्तसर साहिब। इनमें से दो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो फिरोजपुर और फजिलका, दे बॉर्डर पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को इनकी बाउंड्री लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान है, तो फिरोजपुर की भी और फजिलका की भी काफ़ी हद तक बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान को टच करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बना रही है। वैसे अगर हम टोटल अभी देखें तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, उसके बाद आपकी फजिलका, तो टोटल अगर मैं काउंट करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब की जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बना सकती हैं। ऑप्शन में दे देगा 2, 4, 6, 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और नाम भी आपको पता होने चाहिए, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर और फिर फजिलका, ठीक है। चलिए, अब जब हम फिरोजपुर डिवीज़न की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आ जाती है आपकी फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। 1833 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। अगर हम इसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स देखें तो आप देख सकते हो कि फरीदकोट, मुख्तसर साहिब, फजिलका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये इसको बॉर्डर करती हैं। और मोगा ईस्ट में, कपूरथला एंड जलंधर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड तरन तारण इन द नॉर्थ। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ब्रीफली इंटरव्यू टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप फिरोजपुर से हो तो आपसे पूछ लेंगे कि बताओ भैया फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के जो है कौन सी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। सेंसस की अगर बात करें, 2011 के सेंसस के हिसाब से 20,29,074 पॉपुलेशन है। डेंसिटी की बात करें तो 381 किलोमीटर पर स्क्वायर है। सेक्स रेशियो 893 है और लिटरेसी 68.92% है। इस तरह के फैक्ट्स अगेन इम्पॉर्टेंट हैं दोनों प्री और इंटरव्यू के लिए। उसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात करें तो फिरोजपुर को फर्दर तहसीलों में बांटा गया है। तीन तहसील हैं यहाँ पर आपके फिरोजपुर के। सबसे पहले फिरोजपुर तहसील। अब फिरोजपुर नाम इसका इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो फाउंडर थे दैट वाज फिरोज शाह तुगलक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फिरोजपुर जो है, सीधा सवाल पूछ लेंगे कि द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फिरोजपुर हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच रूलर ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगा, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच रूलर, या फिर विच रूलर अगर पूछेगा तो चार राजाओं के नाम दे देगा नीचे, एक फिरोज शाह तुगलक होएगा, वो हो जाएगा। या फिर ये पूछ सकता है कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, कि भाई तुगलक डायनेस्टी का था या जो है ऐबक डायनेस्टी का था, आपका लोधी डायनेस्टी का था, तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है। ओके,
चलिए, अब ये जो फिरोजपुर है इसको शहीदों की धरती भी कहा जाता है, लैंड ऑफ मार्टिर्स। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब इज ऑल्सो नोन एज शहीदों की धरती या लैंड ऑफ मार्टिर्स। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपके हिंदुस्तान की आज़ादी के स्ट्रगल से रिलेटेड तीन हीरोइक मार्टिर्स जो थे, आपके शहीद भगत सिंह जी, शहीद राजगुरु जी और शहीद सुखदेव जी, उनके यहाँ पर जो है मेमोरियल्स बनाए गए हैं, फाइनल रेस्टिंग प्लेसेस बनाए गए हैं, एंड दैट टू ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलुज। रिवर सतलुज के किनारे यहाँ पर इन तीनों शहीदों का जो है मेमोरियल बनाया गया है, ठीक है। तो ये रिवर भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि मेमोरियल जो है वो कौन से रिवर के बैंक्स पर बनाया गया है। ऑल राइट, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका गुरु हरसा है, ये एक तहसील है, ये थर्ड तहसील है फिरोजपुर का, और 2011 में ही इसको बनाया गया था। इसमें से कोई सवाल बनने के इतने खास चांसेस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट तहसील आ जाती है आपकी जीरा। जीरा इज़ फेमस फॉर 105 फिट हाई श्री परसवनाथ जैन टेम्पल। नाउ परसवनाथ जो आप सब जानते हैं कि परसवनाथ की रेलिवेंस जैन रिलीजन में बहुत ज़्यादा है। जैन रिलीजन की अगर हम बात करें तो 24 तीर्थंकाराज हुए हैं जैन रिलीजन में, ठीक है। तीर्थंकाराज जैसे सिखिज्म में गुरुज की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही जैन धर्म में तीर्थंकाराज की इंपॉर्टेंस है। तो 24 तीर्थंकारा हुए हैं, जो 24वें तीर्थंकार थे हम सब उनको जानते हैं, महावीर, ठीक है। तो महावीर के जो प्रीडिसेसर थे, यानी कि जो 23rd तीर्थंकारा थे, वो कौन थे? वो थे परसवनाथ, ठीक है। तो परसवनाथ का यहाँ पर जो है टेम्पल आपको मिलेगा जीरा तहसील में, और ये जो टेम्पल है ये 1890 में इसको बनाया गया था। ऑल राइट, इस टेम्पल की जो आप वॉल को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स मिलेंगी जो डिफरेंट जैन तीर्थंकाराज की लाइफ को डिपिक्ट करती है। ऑल राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि श्री परसवनाथ जैन टेम्पल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है या कौन से तहसील में है। ओके, चलिए उसके बाद फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। तो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या है? सबसे पहले एंग्लो सिख वॉर मेमोरियल एट फिरोजशाह, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पर जो आपका ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई के समय काफ़ी जो ब्रेव पंजाबीज थे उन्होंने अपनी जान यहाँ पर गंवा दी थी, ठीक है, फाइटिंग द ब्रिटिश ट्रूप्स, और इसी वजह से यहाँ पर ये एक मेमोरियल बनाया गया है। जो एंग्लो सिख वॉर हुए, जो अंग्रेज़ों और पंजाब रूलर्स के बीच में जो लड़ाई हुई, फिर उसके बाद सरागढ़ी गुरुद्वारा, ये तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। केसरी मूवी आप सबने देखी है, उसमें इस बैटल को शो किया गया है, ठीक है। तो अफगान ट्राइबल्स के अगेंस्ट जो है ये वॉर इंडियन सोल्जर्स ने लड़ी थी, और 21 सिख सोल्जर्स के लिए फेमस है जिन्होंने अपनी जान दे दी थी। उस फोर्ट सरागढ़ी बेसिकली क्या था, एक फोर्ट था, तो उस फोर्ट को बचाते बचाते इन्होंने अपनी जो है लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी। उसके बाद आ जाता है आपका बार्की मेमोरियल, ये 1969 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। बेसिकली ये उन सोल्जर्स की मेमोरी में इसको बनाया गया था जिन्होंने 1965 के बैटल में अपनी जान दी। 1965 का बैटल वॉज फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी 1965 में, और बैटल ऑफ बुर्की एक फाइट किया गया था जहाँ पर इंडियन इन्फेंट्री और पाकिस्तान नी आर्मर एक दूसरे के आमने सामने आए थे, और यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स ने अपनी जान जो है गंवाई थी। ऑल राइट, तो इसीलिए उनकी मेमोरी को प्रिजर्व करने के लिए ये पर्टिकुलर मेमोरियल बनाया गया। पूछा जा सकता है बार्की मेमोरियल कौन से सोल्जर्स की मेमोरी में है, कि भाई 62 के वॉर वाले, 1962 में वॉर हुआ था चाइना के साथ, 65 में वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, 71 में वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, 1999 में कारगिल हो गया। तो चारों ऑप्शन में दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये जो बार्की मेमोरियल है ये कौन से सोल्जर्स के लिए, तो आप कह दोगे 65 की लड़ाई में जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई थी। उसके बाद नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल हुसैन वाला, सो दिस डिपिक्ट्स एन रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ द थ्री नेशनल मार्टिर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये मेमोरियल बना हुआ है सतलुज नदी के किनारे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी फजिलका डिस्ट्रिक्ट। तो फजिलका जो है 22nd डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि लेटेस्ट एडिशन जो डिस्ट्रिक्ट्स की हुई है पंजाब में, दैट इज़ योर फजिलका। 2011 में इसको बनाया गया था। तो सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द 22nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब और द लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है, जो लास्ट मेड डिस्ट्रिक्ट है। 2011 से पहले 21 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी पंजाब में, 2011 में एक और नई डिस्ट्रिक्ट बन गई जिसका नाम रखा गया फजिलका, ठीक है, और इसको फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया था। फजिलका डिस्ट्रिक्ट को किस डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया था? फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो साउथ वेस्ट ऑफ पंजाब में आपको ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, ओके, और सराउंडेड बाय फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ एंड मुख्तसर डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्ट,
ओके, मुख्तसर इसके ईस्ट में है, ये आपको देख रहे हो ना फजिलका, इसको कम्प्लीटली अलग कर दिया गया तो फजिलका डिस्ट्रिक्ट बन गया। लेकिन हम इसको डिवीज़न पहले किसका पार्ट होता था, पहले ये फिरोजपुर का ही पार्ट होता था, ये ऐसे होता था फिरोजपुर पहले पूरा, फिर अलग कर दिया गया इनको, ठीक है। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न यानी कि तहसील की बात करें तो फजिलका को बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये एरिया जो है फेमस है राइस ग्रोइंग और कॉटन रिच बेल्ट्स के लिए, वन ऑफ द मेजर सेंटर्स है जहाँ पर से राइस एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। उसके बाद आ जाता है आपका जलालाबाद। अब ये जलालाबाद की रेलिवेंस क्या है, नवाब कुतुबुद्दीन हुआ करते थे, उनको महाराजा रंजीत सिंह ने हराने के बाद उनको अलाउ किया कि वो रिटेन कर लें अपनी जागीर, उसके बदले उन्हें थोड़ा बहुत ट्रिब्यूट जो है वो महाराजा रंजीत सिंह को देना पड़ेगा। और उसी के बाद जलालाबाद जो है उसको उसकी फाउंडेशन रखी गई थी किसके द्वारा, बाय नवाब ऑफ ममदौत एज इट्स कैपिटल। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द फेमस नवाब जलालुद्दीन खान, सन ऑफ नवाब कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, ये कोई नहीं पूछने वाला। अबोहर एंशियंट टाउन है और इसका जो मेंशन है वो इबन बतूता के रिकॉर्ड्स में भी मिलता है, एक इजिप्ट का ट्रैवलर था ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपसे सीधा सवाल पूछ लेगा कि इबन बतूता के रिकॉर्ड्स में पंजाब की कौन सी डिस्ट्रिक्ट को मेंशन किया गया, सीधा सवाल पूछ लेगा पीसीएस में या पंजाब के बाकी के जो पेपर होते हैं उनमें भी, ठीक है। तो आप क्या कह दोगे, इबन बतूता ने अबोहर का मेंशन किया है, ठीक है। और उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है, हिस्ट्री का एक सवाल आ सकता है कि इबन बतूता एक ट्रैवलर था, ये कौन से कंट्री से आया था, ये पूछा भी गया है 2018 के पेपर में, पूछा भी गया है एक फॉरेन ट्रैवलर के बारे में, ठीक है। 1341 एडी में ये आया था। और अबोहर अगर आप देखो तो अबोहर इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर कॉटन इन इंडिया एंड इज ऑल्सो फेमस एज कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब फॉर सिट्रस प्लांटेशन। सिट्रस प्लांटेशन क्या होते हैं, जैसे अंगूर जो आपके खट्टे फल होते हैं, नींबू वगैरह होते हैं ना, जो उनको सिट्रस प्लांटेशन कहते हैं, तो कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब इसे कहा जाता है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो आंसर क्या कर दोगे, अबोहर। चलो उसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज योर श्री मुख्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये इसको 1995 में क्रिएट किया गया था, नहीं आएगा सवाल कि कब क्रिएट हुआ, ठीक है, तो दिमाग पे जोर भी मत डालना, इंफॉर्मेशन के लिए बस यहाँ पर दे दिया। पंजाब के साउथ वेस्ट में, अगेन सराउंडेड बाय राजस्थान एंड हरियाणा स्टेट इन द साउथ, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट एंड फिरोजपुर इन नॉर्थ, फजिलका इन वेस्ट एंड बठिंडा इन द ईस्ट, ठीक है, ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन थी 9,01,896, डेंसिटी 348, सेक्स रेशियो 896, ओके। अब अगर आप डेंसिटी देखो तो डेंसिटी लीस्ट है पंजाब के हिसाब से श्री मुख्तसर साहिब की। डेंसिटी क्या होती है कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया है तो मुख्तसर साहिब के इतने एरिया में, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 348 लोग रह रहे हैं, और ये सबसे कम है, ठीक है, बाकी जगहों पर इससे ज्यादा लोग रहते हैं सेम एरिया में। लिटरेसी रेट की बात करें तो 65.81% है, ये जरूर याद रखना है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पंजाब की सबसे लीस्ट डेंसिटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, श्री मुख्तसर साहिब, ओके। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो श्री मुख्तसर साहिब डिवीजन है फेमस किस लिए है, फेमस फॉर जो यहाँ पर आखिरी लड़ाई लड़ी थी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1705 एडी में, और यहीं पर लड़ाई लड़ते हुए मुगलों के खिलाफ गुरुजी के जो 40 डिसिपल्स थे, 40 शिष्य थे, जिनको 40 मुक्ताज या 40 लिबरेटेड वंस कहा जाता है, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी। उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन है गिदरभा और नेक्स्ट है मलौत। अब ये इनकी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे। चलिए प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट, तूती गंदी गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा टिब्बी साहिब, ये गुरुद्वाराज ऑलरेडी आपके अनुभव सर कवर करा चुके हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, डले हुए हैं प्लेलिस्ट में। अंगूरन वाली मस्जिद और मुख्तार मीनार, इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए। लास्ट आ जाता है आपका मोगा डिस्ट्रिक्ट, 17th डिस्ट्रिक्ट था, 1995 में एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। पहले फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करता था। अब अगर आप सराउंडिंग एरियाज देखो तो जलंधर नॉर्थ में है, लुधियाना ईस्ट में है, बरनाला और बठिंडा साउथ में, और फरीदकोट और फिरोजपुर वेस्ट में है। पॉपुलेशन की बात करें तो 9,95,746 इसकी पॉपुलेशन है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है 446, सेक्स रेशियो 893 का है, और लिटरेसी रेट 70.68% का है। अगर आप मोगा डिस्ट्रिक्ट से हो, इंटरव्यू में जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है।
मोगा का अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखें तो सबसे पहले आ जाती है आपकी मोगा तहसील। मोगा नाम कहाँ से पड़ा है? मोगा सिंह गिल, इसके जो फाउंडर थे उनके नाम से इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा, ठीक है। ही इज़ द फादर ऑफ फोर फादर ऑफ गिल कम्युनिटी। मोगा इज़ फेमस फॉर नेस्ले, नेस्ले की यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बागा पुराना, निहाल सिंगवाला और धर्मकोट, ये फर्दर तहसील है मोगा डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। चलिए, तो फिरोजपुर डिवीजन में इतना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, हमने ये कवर सारा कर लिया है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर, sikshit@gmail.com। शुरू में भी बिल्कुल आपको दिखाया था कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ऑलराइट। और यहाँ पर आपको वन कंसेप्ट अ डे सीरीज़ मिल जाएगी हिंदू की, जहाँ पर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और काफ़ी सारा आपको मटेरियल मिलेगा उसमें से अपने एग्जाम्स क्लियर करने में, तो वो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।